आज के स्टूडियो में आपको दिखाएंगे कि तमाशा घर में आने वाले फिजान शेख रियल लाइफ में कौन है और फिजान शेख के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप पहले नहीं जानते होंगे। दिखाएंगे कि शोबिस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले फिजान शेख क्या रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं जैसे कि वो तमाशा घर में नजर आते हैं। मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और तमाशा घर के हवाले से इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बताते चलें कि फिजान शेख 5 सितंबर 1986 को कराची में पैदा हुए और फिजान शेख की एज 32 इयर्स है। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि फिजान शेख की मदर परवीन अकबर भी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं और उन्होंने बहुत ही मशहूर ड्रामा सीरियल्स में भी काम किया है। फिजान शेख की वालिदा का कहना है कि उन्हें फिजान शेख को तमाशा घर में देखना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों आप में से बहुत से लोग तो पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की फेमस अदाकारा रबिया कुलसूम को तो जानते ही होंगे, लेकिन आप में से बहुत ही कम को ये बात पता होगी कि रबिया कुलसूम फिजान शेख की छोटी बहन है। रबिया कुलसूम अपने बड़े भाई फिजान शेख के साथ आयरोज कोई ना कोई फनी या फिर डांस की वीडियो शेयर करती ही रहती है और फैंस भी इन वीडियोज को बेहद लाइक करते हैं। आपको बताते चलना की फिजान शेख की मदर और सिस्टर तो शोबिज से ताल्लुक रखते ही है, बल्कि उनकी वाइफ भी शोबिज की ही अदाकारा है। महम आमिर जो कि शोबिज इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा है और बहुत ही कम स्पोर्टिंग रोल्स में नजर आती हैं, लेकिन फैंस उनकी भी एक्टिंग को बेहद लाइक करते हैं। फिजान शेख और महम आमिर ने 13 अगस्त 2018 को शादी की थी। दोस्तों फिजान शेख और महम आमिर ने अपने मशहूर ड्रामा सीरियल रेडी स्टूडियो गो के सेट से ही एक दूसरे को लाइक किया था और तभी से शादी के लिए प्रपोज किया था। फिजान शेख को अल्लाह ताला ने एक बेटी जैसी रहमत से भी नवाजा है। फिजान शेख और महम आमिर की बेटी हादिया फिजान की पैदाइश 7 दिसंबर 2021 में हुई थी। दोनों अदाकार ही अपनी बेटी के बर्थडे को हर साल बहुत ही ज्यादा धूमधाम अंदाज से मनाते हैं और इन वीडियोज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फैंस के साथ भी शेयर करते हैं। दोस्तों आपको बताते चले की फिजान शेख ने शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले थिएटर में काम करते थे। उन्होंने थिएटर में 5 साल तक काम किया। फिजान शेख ने बकायदा तौर पर शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन 2012 में किया था, लेकिन अदाकार को ड्रामा से रेडियो स्टडी गोल से ज्यादा फेमस मिली थी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि फिजान शेख ने होस्टिंग के मैदान में भी अपने कदम जमाए हैं और इनके दोनों ही शोज दी मजेदार शो और सलाम जिंदगी दोनों ही बहुत ज्यादा हिट रहे थे। आपको बताते चले कि फिजान शेख को फूड में बिरयानी और चिकन बेहद पसंद है। इसके साथ साथ वो क्रिकेट और बाइक लवर भी हैं। दोस्तों आपको फिजान शेख की बायोग्राफी की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।